गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घरों पे ठीक हो। चलिए देखते हैं कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट कब खत्म होगा। ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। देखते हैं कि आपका रिकन्सिलेशन कब होगा। ये है पायल नंबर वन, ये है पायल नंबर टू, और एक फाइल और लेते हैं, ये है पायल नंबर थ्री। आप अपनी ट्यूशन से कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं कि आपका रिकन्सिलेशन कब होगा। रीजन कोई भी हो, ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज भी कर सकती हो। मैं पायल वन ओपन करने जा रही हूँ। देखिए, अभी तो आपका रिकन्सिलेशन बहुत दूर है लग रहा है, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि जल्दी होगा, क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग पे बर्डन है। या तो उनका वर्कलोड है, या उनकी फैमिली का कोई मतलब बर्डन है उनको है, या हो सकता है आपके रिलेशनशिप को भी वो एक बर्डन की तरह मानते हैं। ठीक है, मेरे को ऐसा भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, या कुछ ना कुछ इशू तो है। ठीक है ना, हो सकता है मैरिज का कोई इशू है, कुछ भी इशू है, क्योंकि रीजन तो मेरे को दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के दिमाग में इस टाइम बहुत बर्डन है। ठीक है, ये नहीं मैं एक चीज नहीं बोल सकती कि वर्क की वजह से है, या रिलेशनशिप की वजह से है, कि स्पेसिफिक मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में बर्डन है इस टाइम। ठीक है, तो रिकन्सिलेशन होगा, लेकिन अभी के लिए तो मैं बोलूंगी तो नहीं। जिन्होंने पायल नंबर टू चुना है, यस, आपके रिकन्सिलेशन नजदीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में कोई प्लानिंग तो चल रही है। ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि अगर उन्होंने आपके साथ रिकन्सिलेशन जल्दी नहीं किया तो हो सकता है कि आपका रिश्ता खराब हो जाए आगे जाके। ठीक है, तो वो इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। ठीक है, तो आपका रिकन्सिलेशन बहुत नजदीक है। अगर मैं टाइम पीरियड्स की बात करूं तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि आपको 4 वीक्स या 4 वीक्स या 8 मंथ लग सकते हैं। 4 वीक्स या 8 मंथ, ठीक है, आपका रिकन्सिलेशन मेरे को नजदीक लग रहा है। ठीक है ना, उनके जिन्होंने पायल नंबर टू चुना है आपका, यस, देखिए जिन्होंने पायल नंबर थ्री चुना है आपका रिकन्सिलेशन भी नजदीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, वर्क चाहते हैं, और आपको एक आपके साथ ना अपना एक बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर आप रिकन्सिलेशन का पूछ रहे हो, तो हमारा जो सवाल था कि क्या आपका रिकन्सिलेशन होगा, तो इसका आंसर है यस। ठीक है, पायल वन के लिए नो है, पायल टू एंड पायल थ्री आप दोनों के लिए रिकन्सिलेशन आपका बहुत नजदीक है। ठीक है, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और मिलते नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।